हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम की मीनिंग आप अगर एग्जैक्टली समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हो तो इस वीडियो को देखो। वर्क एनर्जी थ्योरम के जो असली डिटेल्स हैं वो मैं इसमें कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम अलख पांडे और चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम समझने के लिए आप पहले समझो काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है जो बॉडी मोशन में होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी बॉडी की स्पीड होती है, एम बॉडी का मास होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बस इतनी ही बात समझनी थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, कोई बॉडी चल रही है उसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, तो उससे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। एक छोटा सवाल मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी में पूछ लेता हूं, बड़ा सिंपल सवाल पूछ लेता हूं। डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? जैसे मान लो कि ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर एक कोई पर्सन है ए, दूसरा कोई पर्सन है बी, और एक पर्सन यहां बाहर खड़ा है सी, और ये ट्रेन आगे चल रही है विथ वेलोसिटी वी। बाहर से देखने वाले बंदे को सी को बी की वेलोसिटी वी दिखेगी, सो अकॉर्डिंग टू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, बी का मास मान लो एम, हाफ एम वी स्क्वायर। पर ए के अकॉर्डिंग बी रेस्ट पे होगा, क्योंकि ए भी उसी फ्रेम में है जिसमें बी है, ए को बी की वेलोसिटी जीरो दिखेगी, सो अकॉर्डिंग टू ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी हाफ एम, और वेलोसिटी जीरो है सो इट विल बी जीरो। क्या ये बात सही है या इसमें कुछ गलती है? वीडियो को पॉज करें, आंसर या तो यस है या तो नो है, और अपने आंसर पे स्टिक करो। हमेशा एक डिसीजन लो, उस पे स्टिक करो। आंसर या तो यस है या तो नो है। क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? मैंने एग्जांपल दिखाया कि सी को बी की वेलोसिटी दिखने वाली है वी, तो सी ने कहा बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ए ने देखा उसको बी दिखा रेस्ट पे, ए ने जब बी को देखा उसे बी लगा रेस्ट पे, दोनों सेम फ्रेम में है, तो ए ने कहा रेस्ट पे है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्या यह बात सही है या इसमें कुछ गलती है? 1, 2, 3 एंड द आंसर इज हियर, ये बात 100% सही है। यस इट इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एकदम सही है। ए के अकॉर्डिंग बी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है ए के रिस्पेक्ट में, और सी के अकॉर्डिंग उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आ सकता है। स्टेटमेंट 1 में आपको ये चीज लिख देगा, ए बी सी आर 3 पर्सन, ए और बी एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन की स्पीड वी है, अकॉर्डिंग टू ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज जीरो, अकॉर्डिंग टू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ए के हिसाब से बी की काइनेटिक एनर्जी जीरो, और सी के हिसाब से बी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और स्टेटमेंट 2 में लिख देगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों बातें सही हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। मतलब पूरी तरह सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, और दूसरा पहले का सही एक्सप्लेनेशन है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपसे कर ली काइनेटिक एनर्जी में, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना यार। इसके बाद क्वेश्चन वगैरह तुम कर लोगे काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के सवाल थोड़ी ना कराऊंगा, वो सब तो बहुत बेसिक लेवल की चीज है, तुम समझ रहे हो। ठीक है, मैं बताऊं मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, मास इतने गुना हो गया, वेलोसिटी इतने गुने हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुने होगी, वगैरह वगैरह जैसी बातें, वो हमें यहां नहीं करनी है। हम आपसे बात करने जा रहे हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम पे आज, वर्क एनर्जी थ्योरम। और आप देखोगे तो जेई मेंस के अंदर इसके सवाल बहुत ईजिली हो जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से टूट जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, एग्जैक्टली क्या कहता है, लिसन टू मी केयरफुली, एग्जैक्टली क्या कहता है, वर्क डन बाय, ध्यान देना, ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। नोट करें इसको, नोट में डालें, इसको नोट्स में डालें।
work done by all the forces on a body is equals to change in kinetic energy of the body. Work done by all the forces. पिछले लेक्चर में आपने देखा दो तरह की फोर्स थी, एक थी कंजर्वेटिव जैसे कि ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स, और दूसरी थी नॉन कंजर्वेटिव, और इसमें एग्जांपल दिया था मैंने फ्रिक्शन फोर्स का. इस वीडियो को जरूर देखें, यूट्यूब पर टाइप करें वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी 02 फिजिक्स वाला, तो आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आएगी. All the forces, चाहे वो फोर्स कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, उन सभी फोर्सेस का जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. या एक फोर्स होती है जो बॉडी पे अंदर से लगे और एक होती है जो बॉडी पे बाहर से लगे, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. तो कौन सी फोर्स को यहां पे यूज करना है? दोनों फोर्सेस को. जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक बॉडी पे जितनी टोटल फोर्सेस लग रही हैं, उन सब के द्वारा किया हुआ टोटल वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. समझना बहुत आसान है, समझना तो बहुत आसान है इसको. यहां पर एक मास रखा है, इस पर मैं फोर्स एफ लगाऊं और इसको मैं डिस्प्लेस करूं फोर्स से. जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा और इसका डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो इस मास की वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? जितना मैं वर्क करूंगा. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. एक मास रखा है, उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने उस पर वर्क किया. मैंने वर्क के पहले लेक्चर में बताया था आपको, जब किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है. वर्क करना मतलब उसको अपनी एनर्जी दे देना. तो आप किसी बॉडी को पुश करोगे, उसको अपनी एनर्जी दोगे, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इसके उल्टे भी सोच सकते हो. मान लो किसी बॉडी को आप रोकने की कोशिश करो, कोई बॉडी स्पीड में चल रही है, आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ, धीमे 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 बॉडी रुक जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. इस बार काइनेटिक एनर्जी कहां गई? आपने ले ली. किस फॉर्म में? वर्क डन के फॉर्म में. दोनों चीजें हो सकती हैं. आपका वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपका वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी. नेगेटिव वर्क डन मतलब बॉडी की एनर्जी को ले लेना, रोकना बॉडी को, उसकी एनर्जी को वापस छीन लेना. पॉजिटिव मतलब उसको एनर्जी देना. तो इसमें दो बात है कि ये जो वर्क डन है अगर वो पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और जो ये वर्क डन है वो नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. नेगेटिव वर्क डन, अब बॉडी जा रही थी, उसने उसको पीछे की तरफ खींचा, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट अभी भी आगे हो रहा, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन विल बी नेगेटिव. नेगेटिव वर्क डन, धीमे 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 बॉडी रुक जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. तो बोथ आर करेक्ट. अगर पॉजिटिव वर्क करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव वर्क करोगे तो बॉडी से एनर्जी ले लोगे. ये है वर्क एनर्जी थ्योरम. अच्छा, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत तरह से लिख सकते हो, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डैश डैश जितनी भी फोर्सेस हैं. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन बाय All forces is equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial. ये है हमारा work energy theorem. Clear? Note करें इसको. This is our work energy theorem. इसको आप differential form में भी लिख सकते हो. छोटा सा work dW, छोटा सा work by all forces, छोटा सा work by all forces is equals to छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डीकेई. डीकेई क्या है? स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. छोटा सा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉज्ड बाय छोटा सा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी इसको समझ सकते हो और ऐसे भी. तो अब बात आती है कि इसको हम प्रूफ करें. आपको ये आपके 11th क्लास के लिए प्रूविंग इंपॉर्टेंट है कि स्कूल वगैरह में आ सकती है, और थोड़ा जान लोगे डेरिवेशन को तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी और आ जाएगा. ठीक, तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, फिर आपको सवाल कराते हैं इसके ऊपर.
अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बॉडी पे जब भी वर्क करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात है, पोटेंशियल एनर्जी कहां गया? वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? नहीं है, नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का वर्क एनर्जी थ्योरम में अभी कोई यूज नहीं है, टेंशन मत लो। जो कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन है ना, वही कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। हर तरह की फोर्सेस का वर्क डन लिखा था, उसमें से जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है ना, वही कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अगला टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, वहां पे समझाएंगे। अभी तुम टेंशन छोड़ दो, अभी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे लिए है ही नहीं, अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया ही नहीं, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पे ध्यान दो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ट्रस्ट करना है बस, ट्रस्ट। चलो इसका प्रूफ देखते हैं अपन, देखो रे प्रूफ। मान लो हम बोले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, और मान लेते हैं फोर्स वेरिएबल है ना, मान लेते हैं फोर्स वेरिएबल। कांस्टेंट रखूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स का तो तुरंत डेराइव हो जाएगा। मान लिया फोर्स वेरिएबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स एक्स वन से लेके एक्स टू, ये पढ़ा है आपने वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। कांस्टेंट करूंगा तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स एक्स वन से एक्स टू। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स एक्स वन से एक्स टू। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डी वी बाई डी टी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऊपर डी एस से मल्टीप्लाई, नीचे भी डी एस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा देखो, डी एस बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी, और ये वी डी वी बाई डी एस। तो मैंने आपको पहले भी शायद कई बार बताया है कि एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्म भी होता है वी डी वी बाई डी एस, या इसको एक्स कर लें, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। अब dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला उठा के यहां पे पुट करेंगे हम, तो आएगा इंटीग्रल m v dv बाई dx, और यहां भी क्या है dx, कहां से कहां x1 से x2 तक। यहां देखो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का, मास तो चेंज नहीं होगा वर्क करने से, v dv और dx से dx कैंसिल। अब इंटीग्रेशन देखो वेलोसिटी पे हो रहा, पहले इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो लिमिट x1 से x2 रखी थी, पर यहां पे dx से dx कट गया, अब इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मान लेते हैं शुरुआत की वेलोसिटी है vi और बाद की वेलोसिटी है vf, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं m, v dv का इंटीग्रेशन बच्चों v स्क्वायर बाय 2, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां v इनिशियल से v फाइनल तक। तो यहां से 1 बाय 2 बाहर ले लो m, v की जगह पहले v फाइनल रखेंगे, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v की जगह v इनिशियल रखेंगे, v इनिशियल का स्क्वायर। अब इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ कर लिया हमने, वर्क डन के फॉर्मूले चले इंटीग्रल एफ डी एक्स से, एफ की जगह रखा हमें, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन था। क्यों वेरिएबल ली भाई, वेरिएबल ले ली फोर्स, अब वो कांस्टेंट भी हो सकती है, नहीं समझे मतलब, ये ज्यादा रिस्की पार्ट था ना, तो उस पर डिराइव किया हमने, बोला ये फोर्स वेरिएबल हो सकती है, क्या पता कांस्टेंट होती तो भी ये डेरिवेशन तब भी वैलिड है, पर कांस्टेंट वगैरह डेरिवेशन लेते तो वो वेरिएबल में वैलिड नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको वेरिएबल लिया। इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, एफ की जगह एम ए, ए की जगह डी वी बाई डी टी, डी एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई, फिर dx by dt क्या बन गया velocity, dv by dx रखा, dx dx cancel, अब limit velocity की लगानी पड़ी क्योंकि अब variable कौन है v है, तो initial से final, फिर integrate किया, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ये देखो final kinetic energy हुई half m v final का square, और ये initial, this is the proof for work energy theorem। ठीक है, तो proof तो बड़ा simple था यार, और proof में सारी बातें भी नहीं थी जो हम आपसे actual में करना चाहते हैं। बच्चों हम actual में जो आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं और कैसे फायदा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। देखो दिखाता हूं, बहुत बढ़िया फायदा है। वर्क डन का अभी तक तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, अभी तक तुम्हारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला था, फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हारे पास वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का एक नया फॉर्मूला आ गया, कौन सा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पता हमें फोर्स ना पता हो, हमें डिस्प्लेसमेंट भी ना पता हो, और क्वेश्चन में वर्क डन पूछे, तो हम क्या करें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे क्वेश्चन देखो, चलो सब लोग खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो एक बॉडी है मास 2 kg की, उस पर एक फोर्स लगी है बाई अ फोर्स सच दैट उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा एज शोन, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, यह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां वेलोसिटी की वैल्यू है 10, यहां टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड। हमसे पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। 1, 2, 3, 4, 5 ट्राई कर लिया पॉज करके। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा, देखें। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मैंने ध्यान से देखा यहां पर कहीं फोर्स नहीं दी, कहीं डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया, मैं समझ गया यहां से कहानी नहीं बननी। तो मैंने वर्क का नया फॉर्मूला लगाया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बड़ा काम का चीज है ना, फोर्स पता ना डिस्प्लेसमेंट पता, फिर भी वर्क निकाल लेंगे। हमने कहा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और यहां पे एक ही फोर्स है, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। मास कितना है 2 kg, सो हाफ इंटू 2 फाइनल वेलोसिटी। देखो यहां पे टाइम 0 है, तब बॉडी की वेलोसिटी है 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 10, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 10, और 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। देखो वेलोसिटी गिर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू गिर रही है, कम होती जा रही, और 2 सेकंड पे 0, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 हो गया। हाफ एम 0 का स्क्वायर माइनस हाफ 2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, माइनस 2 से 2 कट गया, 100 joules। सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज माइनस 100 joules। वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, आपने वर्क के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाल ली, इसलिए वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव। ना फोर्स दी ना डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर भी वर्क डन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, उसको फिर से आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, चोरी पन्ना मत किया करो मेरे प्यारे बच्चों। नहीं, मैं वीडियो को आगे बढ़ा के सॉल्यूशन देख लेगा। चलो अब बढ़िए, of mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by s is equals to 2t square minus 2t plus 10, find the work done by all the forces in 0 to 2 seconds. अब देखो एक बॉडी है जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवेन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दी है कहीं? नहीं, सम फोर्सेस। डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नहीं दिया, फोर्स कहीं नहीं, बाय सम फोर्सेस, कुछ फोर्सेस लग रही हैं। हमसे पूछा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो यार वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकालने का, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब हमें लाना होगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। मास हमको दे रखा है 1 kg, प्रॉब्लम सॉल्व। दिक्कत है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालने की, कहां कहां पे निकालनी है वेलोसिटी?
जीरो पे और टू सेकेंड्स पे, ठीक है कर लोगे? ट्राई कर लिया, मैं स्टार्ट करूं, वन टू थ्री मैं स्टार्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डीएस बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी। टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t, माइनस टू टी का माइनस टू, टेन का डिफरेंशिएशन जीरो कॉन्स्टेंट, माइनस टू टी का टू, इसका 4t। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है जीरो पे और टू पे, तो टी की जगह जीरो रख दो तो आपको मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो कितनी हुई माइनस टू, टी की जगह टू रख दो तो आपको मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, टी की जगह कितना रखा टू, फोर टू जो एट माइनस टू सिक्स। अब इन वैल्यूज को उठा के यहां रख दो, काम खत्म, हाफ एम की जगह वन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सिक्स का स्क्वायर माइनस हाफ एम की जगह वन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस टू का स्क्वायर, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 36 बाई टू 18 माइनस 4 बाई टू 2, 18 माइनस 2 16 जूल्स पॉजिटिव। इस बार वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखो शुरुआत में स्पीड माइनस 2 थी, बाद में स्पीड 6 हुई, या शुरुआत में स्पीड 2 थी बाद में स्पीड 6 हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर देना, कंसेप्ट समझ में आया कि फोर्स नहीं दी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया था तो फोर्स नहीं दी है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा के ये वाला फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पूछा है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, गम 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 जम 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 जम। वेलोसिटीज निकालनी थी, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट, जीरो और टू पे वेलोसिटी निकाल ली और यहां पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से करके दिखाएंगे, अगला सवाल सभी बच्चे सभी बालक खुद से करेंगे और बालिकाएं भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, टाटा मगर जी नहीं सकते टाटा तुम्हारे बिना। नोट करें क्वेश्चन, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स is related with time t as t is equals to under root x plus 3. Find the work done by this force in 0 to 6 seconds. चलिए इसको खुद से ट्राई करेंगे सब लोग, वीडियो को पॉज करेंगे, वन टू थ्री फोर, वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, वन टू थ्री फोर, हो गया। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, कहानी वही है, फोर्स देनी रखी है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा वर्क डन के लिए, फोर्स दी होती तो हम ये लगाते, फॉर्मूला नहीं दिए तो ये लगाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ, या तुम्हें वेलोसिटी चाहिए होगी ना यहाँ पे, फाइनली कहानी समझ रहे हो, तुम क्या लिखोगे, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, तो तुमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, और इसके लिए तुमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां से देखो रूट एक्स, इसको मैं बता दूं, जीरो टू सिक्स सेकेंड में पूछा है वर्क डन इन जीरो टू सिक्स सेकेंड्स, तो मैं यहां से बोल सकता हूं एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सही है, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, फिर स्क्वायर कर दिया, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सो टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्सटी, सही लिखा है, टी माइनस थ्री दोनों तरफ स्क्वायर किया, टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्सटी। अब मैं यहां से वेलोसिटी निकाल सकता हूं डी एक्स बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो टू टी, नाइन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस सिक्सटी का माइनस सिक्स, तो इट विल बी टू टी माइनस सिक्स। अब मुझे दो जगह वेलोसिटी निकालनी है, जीरो सेकंड पे और सिक्स सेकंड पे, तो t इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो रखा माइनस सिक्स आई, t इज इक्वल्स टू सिक्स रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, सिक्स रखा टू सिक्स दैट ट्वेल्व माइनस सिक्स दैट इज सिक्स, कहानी समझ में आई, मैंने वेलोसिटी निकाला इसको डिफरेंशिएट करके, फिर मैंने t की वैल्यू जीरो रखी तो इनिशियल वेलोसिटी, सिक्स रखी तो फाइनल वेलोसिटी, टू सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स छः छः। अब यहां पे मैं रखूंगा, मास गिवन नहीं है, कोई बात नहीं शायद कुछ होने वाला, वैसा फाइनल वेलोसिटी कितनी है छः, छः का स्क्वायर माइनस हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस छः,
माइनस छः का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो हाफ एम ये कितना होगा 36 माइनस छः का स्क्वायर भी 36। तो आप देख रहे हो ये दोनों वैल्यू कैंसिल एंड द फाइनल आंसर विल बी 0। नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। इस पूरे इंटरवल में इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि स्पीड की वैल्यू क्या रही सेम, पहले 6 थी बाद में भी 6। ये तो वेलोसिटी है, डायरेक्शन बता रही, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी 0। यस, एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट यू कैन राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज, नोट लिखें, अभी आगे सवाल मिलने वाला है इससे रिलेटेड, लिखें, अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज विल बी 0। एक आखिरी सवाल देख लें, करना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन। कोई बॉडी है, मास इसका है 2 kg, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, सम फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट सच दैट वी इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। हमसे पूछा है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू बी तक। अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, कोई एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस ऐड कर रही हैं, ऐसे ऐड कर रही हैं कि उसकी वेलोसिटी अल्फा अंडर रूट एक्स की तरह वेरी कर रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द इंटरवल एक्स इज इक्वल्स टू 0 से एक्स इज इक्वल्स टू बी तक। आप देख रहे हो कहीं फोर्स का जिक्र नहीं है तो यह फॉर्मूला तो नहीं चलेगा। वेलोसिटी का जिक्र है और वर्क डन पूछा है, वेलोसिटी का जिक्र है और वर्क डन पूछा है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से काम बनने वाला है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, हमें क्या चाहिए होगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, हमें यह चीज चाहिए होगी, है ना। बस तो पहले x की जगह 0 रख दोगे तो v इनिशियल निकालने के लिए x की जगह 0 रख दो, सो v इनिशियल मिलेगा, v इनिशियल विल बी अल्फा रूट 0 दैट इज 0। फिर फाइनल निकालने के लिए x की जगह b रख दो तो v फाइनल मिलेगा, v फाइनल इज इक्वल्स टू अल्फा रूट b मिल गया। x की जगह 0 रखा तो इनिशियल वेलोसिटी, b रखा तो फाइनल वेलोसिटी, यहां पुट कर दो, हाफ एम की जगह 2 वी फाइनल का स्क्वायर अल्फा रूट बी का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम की जगह 2 वी इनिशियल कितना है 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बी विल बी द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। चलो ये सब छोटे छोटे तुमको एग्जांपल समझ में आ गए, अब लेते हैं कुछ बढ़िया सवाल जिसमें आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं अलग सवाल ले रहा हूं जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका भी होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बाकी जो मेथड्स होंगे वो बहुत ही लेंदी होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी सवाल को छोटा बना देता है। जैसे मान लो यहां पे एक बॉल है जिसका मास m है और ये यहां पे लटक रही है, इस पे कोई फोर्स f लग रही विच इज वेरिएबल, द फोर्स f इज वेरिएबल फोर्स, इसके ऊपर कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, ये फोर्स लगती रहेगी तो ये मास ऊपर उठता रहेगा, हाँ या ना भाई, अरे प्यारे बच्चे मुझको ये बता, इस पे फोर्स एफ लगती रहेगी तो ये मास ऊपर उठता रहेगा। तो मैंने बहुत धीमे धीमे फोर्स लगाई, है ना, अब वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस एम वेरी ग्रेजुअली, मतलब बहुत धीमे धीमे, वेरी ग्रेजुअली, और डिस्प्लेस करते करते हम m को यहां पे ले आए, ये फोर्स f जो लग रही थी वेरिएबल है, चेंज हो रही थी, हम थीटा एंगल इसको डिस्प्लेस करते ग्रेजुअली बाय थीटा एंगल, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ दे रखी है l। अब हमसे पूछा इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो इसको आप पॉज करके सॉल्व करेंगे, ऑप्शन है एम जी एल कॉस थीटा, ऑप्शन बी एम जी एल कॉस थीटा माइनस 1, ऑप्शन सी एम जी एल साइन थीटा, ऑप्शन डी
एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। तो चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। फोर्स एफ के फॉर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है, मास एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, लेंथ एल है, इस पे एक वेरिएबल फोर्स लगी, लगाते 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 धीमे धीमे ग्रेजुअली वेरी ग्रेजुअली इसको हम उठाते हुए यहां लेके आए, थीटा एंगल चले, तो पूछा है इस फोर्स का वर्क डन कितना है। चलिए दिमाग लगाएं, इस फोर्स का वर्क डन कितना है, पॉज करें वीडियो को, 1 2 3 4 मारे ऑप्शन ए बी सी डी, मारे ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चले मैं सॉल्व करूं, ओके पॉज करके आपने ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई किया करो, पॉज करके ट्राई कर लिया, ओके पॉज करके ट्राई कर लिया, ओके चलो अब देखो। देखो इसमें एक टर्म यूज किया था वेरी ग्रेजुअली, सिर्फ ग्रेजुअली भी लिख सकते थे शायद, वेरी ग्रेजुअली अंग्रेजी ही मेरी गलत है, मे बी। मतलब ग्रेजुअली का मतलब होता है स्पीड डज नॉट चेंज, फिजिक्स में जब ग्रेजुअली लिख दे तो स्पीड डज नॉट चेंज, मतलब इतनी धीमे धीमे उठाया ना, इतनी धीमे 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 इतनी धीमे धीमे उठाया कि पूरे रास्ते में कहीं पे भी स्पीड ना बढ़ी ना घटी, बहुत धीमे धीमे उठाया, बहुत छोटे स्टेप में, ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टेप में, तो स्पीड कहीं चेंज नहीं हुई, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर है। यहां से यहां में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी पूरे रास्ते में कभी चेंज नहीं हुई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू, क्या लिखते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, जीरो, इनिशियल फाइनल बराबर, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज जीरो। पिछले एग्जांपल में यही बात की थी मैंने कि अगर स्पीड कॉन्स्टेंट रहे, अगर स्पीड चेंज ना हो तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज जीरो। अब इस मास एम पे कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, एक टेंशन फोर्स टी, और एक फोर्स एफ, ये तीन फोर्सेस पे लग रही हैं, और कोई फोर्स सोच लो, एक एम जी, एक टेंशन, एक एफ। सो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल्स टू जीरो। इस चीज को हम यूज करके आंसर निकालना चाहते हैं, तीनों फोर्सेस का वर्क डन अगर जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि जीरो हो गया। अच्छा और सबका वर्क डन निकालते हैं। देखो एमजी की बात करें तो एमजी को फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने आपको लिए बनाया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैंने बताया था कि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको रास्ते से फर्क नहीं पड़ता। तो mg का वर्क डन, हम यहां से यहां ऐसे जाएं या चाहे तो ऐसे ऊपर चले जाएं, है ना, इस तरह से ऊपर चले जाएं, जैसे भी जाना चाहे, ऑप्शन नोट कर लिए हैं a b c d, चलो यहां से मिटाता हूं। तो mg के वर्क डन के लिए हम चाहे तो ऐसे जाएं, चाहे तो ऐसे जाएं, जैसे भी जाएं, mg का वर्क डन हर तरह से सेम आएगा, बिकॉज mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने mg के लिए रास्ता चुना है ऐसे और ऐसे जाने का, इस रास्ते में तो mg का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, हाय हाय, इस रास्ते में देखो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर इस रास्ते में mg वर्क करेगा, फोर्स नीचे लगेगी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, हमें ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है, हो जाएगा। ये लेंथ l है, l का इधर कॉम्पोनेंट ये कितना होगा, L cos theta, देखो L है, इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, L cos theta, ये पूरी लेंथ भी L थी, वही स्ट्रिंग है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, L minus L cos theta, होगा कि नहीं, ये L था, L का इधर कॉम्पोनेंट L cos theta, ये पूरी लेंथ L थी, इसमें से L cos theta गया, कितना बचा, L minus L cos theta, तो ये मास M कितना ऊपर गया, L minus L cos theta ऊपर गया। तो मैंने कहा ग्रेविटी का वर्क निकालना है तो सिर्फ, अभी शॉर्टकट के लिए फिर समझ लो, जब भी ग्रेविटी का वर्क निकालना हो तो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा करो, सिर्फ वर्टिकल, मैं ऐसे ऐसे भी चल सकता हूं, ग्रेविटी का वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी रास्ते से चलो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करता है। तो मैं ऐसे ऐसे चला, इस रास्ते में डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो यहां पर वर्क डन जीरो हो गया, एंगल 90 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिया, फिर ऊपर गए जब तो एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में लगा दिया माइनस, क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। इतना समझ लो, ग्रेविटी की फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता,
लिख लो नोट में, ग्रेविटी के वर्क डन के लिए सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, नोट्स में ग्रेविटी के वर्क डन के लिए सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। सो mg नीचे है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट l माइनस l cos थीटा, तो माइनस लगाया, प्लस वर्क डन बाय टेंशन, तो टेंशन में टेंशन मतलब ये टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ 90 डिग्री पे, वर्क डन जीरो। चलो आगे आओ, यहां पे आओ, अभी टेंशन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा टेंजेंट के अलोंग, एंगल 90 डिग्री। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर है भाई, टेंशन लग रहा है रेडियस के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंट के अलोंग। जैसे तुम कहीं पे भी आओ, इसके किसी भी रास्ते पे, पाथ में कहीं पे भी आओ, जैसे मैं यहां पे आया, तो टेंशन लगेगा रेडियस के अलोंग ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट होगा टेंजेंट के अलोंग, तो एंगल कितना रहेगा हमेशा 90। सो वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो इन दिस केस, यहां पे भी वर्क डन बाय टेंशन जीरो, हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे। यहां पे देखो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, परपेंडिकुलर, प्लस वर्क डन बाय एफ इज इक्वल्स टू जीरो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वर्क डन बाय एफ, ये टर्म पूरा उधर जाएगा, माइनस जगह प्लस हो जाएगा, एम जी एल कॉमन वन माइनस कॉस थीटा, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, खत्म। ये पूरा टर्म इधर लेके जाओ, माइनस से प्लस बन जाएगा, एल कॉमन होके बाहर आ गया, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज द आंसर। क्या ग्रेविटी का वर्कडन कैसे निकाला समझ में आया है? ग्रेविटी के वर्कडन में सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखना है, हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना है। और नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देखो कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने यहां से ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, इस रास्ते में वर्क डन होगा जीरो, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, और इसमें वर्क डन होगा माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रखी क्योंकि टर्म यूज किया था ग्रेजुअली। चलिए मैं आपको फिर से एक सवाल दे रहा हूं, कोशिश करिएगा इस सवाल को आप खुद से करें, थोड़ा सा इजी कर देता हूं। एक सवाल आपको फिर दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करेंगे खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, अ बॉल ऑफ मास 2 केजी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मास 5 केजी ले लो, एंड gains a speed of 10 meter per second after 20 meters. Find the work done by gravitational force and एयर फ्रिक्शन। चलिए खुद से ट्राई करें इसको, वीडियो को पॉज करें, 1 2 3 4 5 वीडियो हो गया पॉज कर रहे हैं अब ट्राई, 1 2 3 4 5 वीडियो हो गया पॉज कर रहे हैं अब ट्राई। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, नहीं किया है तो अभी पॉज करके ट्राई कर लो। चल, बॉडी ऑफ मास 5 केजी, उसको ड्रॉप किया हमने वर्टिकली, इज ड्रॉप वर्टिकली कितनी हाइट पे, 20 मीटर पे, यहां से ड्रॉप किया, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां आके इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है गेंस स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से देखो ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगेगी एम जी, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा 20 मीटर सेम डायरेक्शन में, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना, अरे यार फोर्स कितनी है 5g, लिख लो सीधा ग्रेविटी की फोर्स 5g, डिस्प्लेसमेंट 20, g की वैल्यू रखो 10, तो 5 10 g की वैल्यू रखो 10, तो 5 2 10 डबल जीरो 1000 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 1000 जूल, ये हो गया 50 इंटू 20 1000 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटी। सेकेंड, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एयर फ्रिक्शन की फोर्स हमको दी है, क्या हमको फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन दिया है, खुद से सवाल पूछो, क्या हमें एयर फ्रिक्शन की फोर्स दी है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हमको एयर फ्रिक्शन की फोर्स दी है? नहीं दी है। अब क्या करें, हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी है, तो हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम।
कैसे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम? हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। और बच्चों इसमें कौन सी फोर्स लगेगी बताओ? कोई बॉल हवा में नीचे गिर रही, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेगी? एक तो ग्रेविटी की फोर्स और एक एयर फ्रिक्शन ग्रेविटी को अपोज करेगा। जब बॉल नीचे गिरती है तो हवा उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है, एयर का फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन लगेगी एक फोर्स, एक ग्रेविटी, और कोई फोर्स तो नहीं है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें मिल गया है 1000 जूल। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन हमको नहीं पता। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, ये रही फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम कितना है? 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 0, खत्म। तो वो 100 आएगा, 50 इंटू 5 250। निकाल सकते हैं यहां से, देखो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कैलकुलेशन है यार, कंसेप्ट समझ में आ गया, ये है कंसेप्ट, खत्म। ये था कंसेप्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते थे, इन्फॉर्मेशन बहुत ढेर सारी थी। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ फाइनल, यहाँ इनिशियल, हाफ एम 5 10 का स्क्वायर, तो ये 100 और 2 तो 50 और ये उधर गया माइनस हुआ, यानी वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन माइनस 750 जूल। तो देखो एयर फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आया, क्योंकि वो बॉडी को रोकना चाहता है, फोर्स ऊपर लगेगी एयर फ्रिक्शन की और बॉडी नीचे जाएगी, इसलिए वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक होमवर्क मैं लेके आया हूँ, क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है? वर्क एनर्जी के थ्योरम के सवाल किस किस तरह से घुमा सकते हैं आपको? बढ़िया से क्लियर हो गए हैं, पक्के से क्लियर हो गए हैं मान लूं मैं, चलिए मैं मान लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए एक लेके आया हूं, जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन, अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप एक्ट्स ऑन अ बॉडी टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम 1,2 to 4,1 If initial velocity of body is 2 meters per second and mass is 10 kg, find final velocity. तो कैसे करेंगे इसको? पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5 पॉज, 1 2 3 4 5 पॉज, हो गया रे भाई, चलो मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे। पॉज करके ट्राई कर लिया, पॉज और ट्राई, चल। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दे रखी है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन यहां पे कैसे निकाल सकते हो? यहां निकाल सकते हो एफ डॉट एस से, एस आपको दे रखा है, या एफ डॉट आर बोल लो, आर निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा R1 वेक्टर, ये हो गया R2, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुई, सो यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट R एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आ रहा? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुई है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें से फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो 4 - 1 = 3 किस डायरेक्शन में? आई कैप। 1 - 2 = -1 किस डायरेक्शन में? जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर। कितने लोग को समझ में आया यार? इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 4i + j कैप, और इसको लिख सकते हो i + 2j कैप। ये हो गया R1, ये हो गया R2, इसमें से ये माइनस करोगे, 4i - i 3i j - 2j - j, तो हमारे पास ये हो गया इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। एफ की जगह 2i + 3j - 3i - j इक्वल टू हाफ एम, एम की जगह कितना? 10 कॉमन ले लूं मैं, अच्छा ये रख लेता हूं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? नहीं पता, यही निकालना है। माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 meters per second, 2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कर लोगे
आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, तो आई वाले को आई से 2 3 6, फिर जे वाले को जे से 3 × −1 − 3 इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लोगे, इसमें ये नहीं पता है, बाकी सब पता है, कर लेंगे कि नहीं, सारे वेरिएबल पता है, सिर्फ आपको vf की वैल्यू नहीं पता है. कैन यू सॉल्व दिस और नॉट, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये अब आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो अब आ रहा है, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम का. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो देखो, ये एक पहाड़ है, यहां पे एक मास m रखा है, इस पे एक फोर्स f लग रही है, ये डिस्टेंस मेरा l है, ये डिस्टेंस मेरा h है, ये रफ सरफेस है, मास m और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है. फोर्स f एक्ट्स ऑलवेज सच दैट इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ हिल. ठीक है, ये पहाड़ है, इस मास m को खींचते हुए हम ऊपर ले जाएंगे, कहां से, नीचे से ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, यहां से लेके वहां तक लेके जाना है. फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ. ऑप्शंस एम जी एल, ऑप्शन बी, एम जी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऑप्शन सी, म्यू एम जी प्लस एम जी एल, ऑप्शन डी, म्यू एम जी, सॉरी ये होगा म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, ऑप्शन डी, म्यू एम जी एच प्लस एम जी एल. सो ट्राई करें और इसका सही ऑप्शन क्या है ये कमेंट करें. इस क्वेश्चन में आपकी बस थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कि ये जो मास है इसको हम ऊपर ग्रेजुअली लेके गए हैं, ये बात गिवन है, बहुत ही धीमे धीमे हम इसको ऊपर लेके गए हैं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो. यहां पे फोर्सेस हैं ग्रेविटी की, फ्रिक्शन की, एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन, चार फोर्सेस हैं ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल एंड नॉर्मल रिएक्शन. तो इसको सॉल्व करें, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, पढ़ाई करते रहें, अगला वीडियो आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का. ऑल द वेरी बेस्ट.